हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मौसम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक मौसम। चलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अपनी वीडियो पे बेल आइकन इंट्रो लगाए कैसा और बनाए कैसे। तो चलिए हम, क्योंकि जो पहले बेल आइकन इंट्रो चल रहा था वो 2D बेल आइकन इंट्रो था, अब जो आ चुका है 3D बेल आइकन इंट्रो। जैसा जैसा वक्त बीतता गया है वैसा वैसा नया बेल आइकन इंट्रो आ चुका है। चलिए हम सीधा वो हम देखेंगे कि कैसा बनाए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कर दे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं, शुरू करिए सीधा। तो शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐप की ज़रूरत पड़ी, वो है काइन मास्टर ऐप। चलिए सीधा काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। जी देखिए, ये काइन मास्टर ऐप ऐसा ओपन करना है, और आपको जो प्लस का निशान आ रहा है प्लस पे क्लिक करना है। इसके बाद ये करना है, देखिए आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। तो फिर जो ऊपर जो आ रहा है मीडिया का, मीडिया, तो उस पर क्लिक करना है। मीडिया के बाद आपको सबसे पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा, ये तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है वो। तो देखिए सबसे पहले आपको जहाँ से डाउनलोड, हमने डाउनलोड कर रखा है, सबसे पहले हम वो ले लेंगे। देखिए ये हमने ले लिए, देखिए आप देख सकते हैं कि ऐसा आ चुका है। ये सिर्फ सादा आया है, तो इस पर हमें हमारे चैनल का लोगो और नाम देना है। तो देखिए ये, इसके बाद फिर इसके बाद आपको एक और ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऐप का नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब आपको प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री है, अब उसको कोई चार्ज नहीं है। तो पिक्सल लैब नाम का एक ऐप है जिससे आप थंबनेल वगैरह सब क्रिएट कर सकते हैं। उस पर जाना है आपको, उसको ओपन कर लेना। ओ जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसे सबसे पहले तो इसे टेक्स्ट को आप इस पर भी कर सकते हैं, तो हम डिलीट कर देंगे। हम सीधा न्यू टेक्स्ट लेंगे, जो ऊपर प्लस का निशान आ रहा है प्लस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद ये जो टेक्स्ट, टेक्स्ट पे करना है। टेक्स्ट के बाद इसे बीच में लेके आना है, यहाँ पे आपके चैनल का नाम डाल देना है, जैसा कि मैं डाल देता हूँ हमारे चैनल का नाम। देखिए जो मैंने डाल चुका है हमारे चैनल का नाम है, तो इसको हम कर लेते हैं। और इस पर हम जो आपको जो नीचे के साइड में जो एक का निशान दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है। एक निशान पर जाके आपको बाजू में जाके इसे कलर दे देना है, ब्लैक कलर दे देना है, जैसा कि मैं ब्लैक दे रहा हूँ। आपको जो देना है आप ये दे सकते हैं, बिल्कुल मुझे जैसा ब्लैक दे, मैं आपको सिर्फ एकदम सादा बना के बताऊँगा। जैसा कि आपको इसमें जाके डिज़ाइन करना है आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ब्लैक कलर हमने दे दिए, इसे प्लस कर दिए, और उसके बाद हम जैसे और इसे लेते जाएंगे ऊपर। तो देखिए ये जो स्टाइल का आ रहा है, स्टाइल, इस पर क्लिक करना है। स्टाइल पे जाके इसे बी पे बोल्ड कर देना है, क्योंकि बोल्ड से ज़रा अच्छा दिखेगा, तो इसे कर देना है। फिर इसके बाद हमें इसकी साइज़ करना है, जैसा कि टेक्स्ट की साइज़, तो आपको इसकी साइज़ रखनी है 60, क्योंकि जी 60 रखे तो एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए। 60 कर देना है, देखिए ये 60 कर देना है। 60 करके हम इसे प्लस सही कर देते हैं। देखिए इसके बाद आपको वापस ऊपर प्लस के निशान पे जाना है, प्लस का निशान दबाना है, फिर वापस टैक्स लेना है, इसे नीचे लाके इसे क्लिक करना है, फिर इसे वहाँ लिख देना है, फिर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस ऐसा इतना लिखना है, फिर ओके कर देना है, फिर इसे नीचे लेके आना है। देखिए ये बहुत बहुत ही लंबा हो चुका है, तो हमें भी इसकी साइज़, सबसे पहले तो इसका कलर कर देना है, इसे कलर, जैसे कि हम इसे रेड कलर दे देंगे, रेड अच्छा दिखेगा इस पर प्लस। फिर इसे साइज़ दे देंगे, साइज़ आपको इसकी 40 रखना है जी, 40 सही है, 40 देखिए इसे रख के, और ये जो, और इसे भी जाके इसे स्टाइल पे जाके इसे भी बोल्ड कर देना है सही। और जो ये दोनों के बीच का गैप है, ये गैप को एकदम सही तरीके से रखिए, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं। ये देखिए मैंने रख दिया इसे, जी ये हो चुका है। देखिए ये इतना होने के बाद आपको सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए ये ए के बाद एक और निशान है, इसके बाद एक और लायर का निशान है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको पहला ऑप्शन आ रहा है कलर, कलर के बाद जो आ रहा है ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना है। देखिए ये इसका जो बैकग्राउंड है वो जा चुका है। तो बैकग्राउंड जाने के बाद इसे हम सीधा ऊपर जाके, देखिए ऊपर जाके इसे जो 3 डॉट आ रहे हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे सीधा नीचे आना है, चौथे नंबर पे एक्सपोर्ट इमेज कर देना है। एक्सपोर्ट इमेज करके सेव टू गैलरी कर देना है। जैसे ही इस गैलरी में सेव हो जाएगा तो हमें सीधा जाना है हमारे काइन मास्टर पे। जी, हम काइन मास्टर पे आ चुके हैं। देखिए काइन मास्टर पे हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें इसको क्या करना है, इसे थोड़ा ऐसा जैसे पिले होता है ये, तो पिलों के जैसा आता है, इसे हम थोड़ा पीछे लेना है।
जैसे ही ये वाइट उसका ऊपर आ रहा है, इसे और थोड़ा पीछे, बस इतना। इसके बाद आपको सीधा लायर में जाना है, लायर के बाद आपको जाना है इसमें। इसके बाद जो आपके चैनल का लोगो है, आप अगर लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो लगा सकते हैं। आपके जो चैनल का लोगो है, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई भी एक लोगो, फिर आपको इसे थोड़ा साइज़ की कम कर देनी है। साइज़ कम करने के बाद इसे नीचे इधर रख देना है। इधर रखने के बाद इसे एनिमेशन देना है, इन एनिमेशन में जाना है आपको। इन एनिमेशन में जाने के बाद देखिए नीचे आना है सीधा, हमें लिखना है स्लाइड अप। स्लाइड अप पे लिखना नहीं है, स्लाइड अप पे क्लिक करना है, और जो इसकी ये इसका टाइम है इसे 0.5 का कर देना है स्पीड को। तो ये यस कर देते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा प्ले कर देंगे हम। तो आप ये देख सकते हैं हो चुका है ऐसा। तो जो इमेज को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ये जो लोगो है हमारा, फिर वापस जाके इसे क्लिक करना है। देखिए एकदम बराबर साथ में आ रहा है ये। तो ये आपको और इसे थोड़ा इसकी साइज़ थोड़ी और कम कर देनी है कि इसके साथ आए, इसके साथ ही जाए। देखिए ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो आपने जो पिक्सल लैब से जो आपके चैनल का नाम और वो क्रिएट किया है उसे लेना है। यहाँ पे जाके हम इसे ले लेंगे, थोड़ा इसे सही कर देते पहले। और जी इसके बाद आपको ये आउट एनिमेशन भी देना है। तो आउट एनिमेशन में जाके इसे स्लाइड डाउन करना है। स्लाइड डाउन में भी इसे 0.5 रखना है जी। देखिए इसके बाद फिर आपको लें वापस से लायर में जाना है पहले। तो ये जी फिर लायर में जाना है, लायर के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया के बाद जो आपका पिक्सल लैब का जो फोल्डर है उसमें क्लिक करना है। आपने जो भी क्रिएट किया है उसे क्रिएट करना है, वापस से लेना है। सबसे पहले जो इसकी साइज़ कम कर देंगे आप, कि हमें इतनी साइज़ तो नहीं चाहिए। देगी फिर से हम नीचे ले आएंगे, हमें कहाँ लगाना है इधर। ठीक है इधर लगाना है हमें। इधर लगाने के बाद देखिए इसको जो हमें इसे भी इसे इन एनिमेशन में जाके स्लाइड अप करना है। फिर इसे 0.5 इसे भी करना है, 0.5 जाके इसे क्लिक करना है। फिर वापस से इस पर क्लिक करके हमें आउट एनिमेशन में जाना है। आउट एनिमेशन में जाके इसे स्लाइड डाउन कर देना है और इसे भी 0.5 कर देना है। तो देखिए इसके बाद जाके हम इसे प्ले कर देंगे। तो देखिए ये थोड़ा नीचे आ रहा है, तो हम इसे उठा के ऊपर रखना चाहेंगे ऐसा। तो आप देख सकते हैं, तो हम इसे फिर वापस से प्ले कर देंगे। देखिए ये आपके सामने आपके बेल आइकन इंट्रो बन चुका है। तो इसी तरीके से आप भी अपना बेल आइकन इंट्रो बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बस कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आपका बेल आइकन इंट्रो 5 मिनट में बन जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं एक बार वापस से प्ले करके देख लेते हैं। ये मैंने आपको एकदम सादा बना के बताया। अगर आप डिज़ाइन में बना सकते हैं तो आप जो भी है अपने डिज़ाइन क्रिएट कीजिए। डिज़ाइन जिस तरीके से हमने प्रोसेस किया है उसी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अलविदा लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर, लाइक करना ना भूले। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए हम मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में।